जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा आयोजित वन अग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण जागरूकता अभियान 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगल लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि जंगलों को बचाना भी आवश्यक है, जिसके लिए जन सहभागिता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से वन को आग से बचाने की भी अपील की है। इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़े स्तर पर ये अभियान 2018 से शुरू किया था कि जंगलों को आग से बचाने के लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जंगलों को लगाने में, लगाने के बाद उनको बचाना बहुत जरूरी होता है और आग से बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस दृष्टि से अवेयरनेस समाज में आए ये कैंपेन 2018 में शुरू की थी, दो गाड़ियों के साथ इसकी शुरुआत की थी इस कैंपेन की, ताकि वो गाड़ियां जाकर के जो है विभिन्न स्थानों में अवेयरनेस की दृष्टि से जो है वो लोगों को जागरूक कर सके। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 2019 में भी चार गाड़ियां जो है पिछले साल भी इसके लिए हमने पूरे प्रदेश भर में भेजी थी, और अब की बात 2020 में भी चार गाड़ियों के साथ इस अवेयरनेस कैंपेन को और मजबूत करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अभियान की शुरुआत की है। मैं विभाग के मंत्री को, विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं। ये गाड़ियां जो है लगभग 64 स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में जाएंगी। जंगल सिर्फ लगाना, प्लांटेशन करना यही पर्याप्त नहीं होता है, लगाने के बाद उनको बचाना, बचाने के साथ साथ में उनकी रक्षा करना, इसमें जब तक लोगों की सहभागिता नहीं हो पाती है तब तक ये इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता है, प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। और इसमें महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप और इसके साथ साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी अधिकारी और जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन तक ये सारी बात को लेकर के ले जाने की आवश्यकता है कि वो इसमें अपनी भूमिका जिस प्रकार से निभा रहे हैं उसको और ज्यादा मजबूत करें। उस दृष्टि से इस कैंपेन में मुझे लगता है कि ये बहुत सार्थक और कारगर साबित होगी और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हरा भरा दिखे, ये हमारी भी इच्छा है, दुनिया की इच्छा, और हिमाचल के पास यही एक बहुत बड़ा आकर्षण है दुनिया भर के देशों को यहाँ आकर्षित करने के लिए।